सब्जी का ट्रेनिंग। सब बहुत दूर दूर से दौड़ के आते हैं। तो बाप और ज्यादा दूर से दौड़ के आते होंगे या कम दूर से आते होंगे? हैं? हाँ, बाप तो बहुत दूर से आते हैं। और बाबा जब जीसस में क्राइस्ट ने प्रवेश किया, सिद्धार्थ में बुद्ध ने प्रवेश किया तो धर्म स्थापन हुआ। वैसे ना संगम में राम संगम में कृष्ण उसमें जिस दादा लेख ने ब्रह्म के आत्मा में प्रवेश किया तो कृष्ण को जेल में डालवाया। जब बाप ने प्रवेश किया तब नहीं, बाप को नहीं, जो संगम में कृष्ण को जेल में डालवाया तो जिस टाइम डालवाया जब बाप ने प्रवेश किया तब जेल में डालवाया। नहीं, कृष्ण की आत्मा तो ये सूक्ष्म आत्मा पावरफुल होती है ना, सूक्ष्म आत्मा पावरफुल होती है ना। हाँ, तो मैं कहता जो रावण आत्मा है, रावण शरीर संगम का, तो उसमें कृष्ण की आत्मा ने प्रवेश किया। अच्छा, तो उसको जेल में डलवाया। कृष्ण की आत्मा ने जब प्रवेश किया तब जेल में डलवाया। कृष्ण की आत्मा ने प्रवेश किया था उस टाइम जेल में डलवाया को। माने जब प्रवेश किया तब जेल में डाला गया। प्रवेश हाँ, तो की आत्मा ने जब प्रवेश किया तब जेल में डाला गया। और आजकल क्या बोलते हैं? पहले एक बात तो हल कर लो। तो वही बात, कृष्ण की आत्मा दादा लेख राज, दादा लेख राज की आत्मा राम वाले व्यक्तित्व में कब प्रवेश करती है? 69 में प्रवेश करती है। अगर 69 में प्रवेश करे तो चंद्रभाल नाम होना चाहिए। अरे क्यों? शंकर का एक नाम है चंद्रभाल। क्या चंद्रभाल? हाँ, माना भाग माने मस्तक, जिसके मस्तक पर चंद्रमा है। तो 69 से चंद्रवाल है तो बात झूठी हो गई। तो 69 में जब प्रवेश किया आपके अनुसार कृष्ण की सोल ने तो जेल में गया। ये बात तो झूठी साबित होती। हाँ, जब दादा लेख राज कृष्ण के 100 साल पूरे होते हैं, 100 साल पूरे होते हैं, 87 उस टाइम रावण आत्मा ने प्रवेश किया। उस टाइम अगर प्रवेश किया तब जेल में गया क्या? नहीं, 98 में जब उस टाइम था राम के शरीर में कृष्ण का पति, उस टाइम राम को जेल में डाला। बातें बदल गई, 69 में प्रवेश किया, फिर कहते हैं 89 में प्रवेश किया, अभी कहते हैं 98 में प्रवेश किया। 98 में रावण आत्मा को जेल में डालवाया ना, कृष्ण आत्मा को संगम में कृष्ण वाला। बाबा ने बोला है तुम बच्चे बाप दादा को अलग अलग करेंगे वो फिर मिलकर के एक हो जाएंगे। आपकी मान्यता है कि कृष्ण की आत्मा ने राम वाली आत्मा को जेल में डाला, तो दोनों अपोजिशन में हुए या एक दूसरे के साथ ही हुए? वो बात नहीं, क्या बात है? बात ऐसी है, कैसी है? रामवाली आत्मा ने प्रवेश किया। रामवाली आत्मा में किसने प्रवेश किया? कृष्ण वाली आत्मा ने। कृष्ण वाली आत्मा ने 69 में आप प्रवेश किया? 87 में प्रवेश किया, उससे पहले प्रवेश नहीं किया? 76 में बाप प्रत्यक्ष नहीं हुआ? हुआ।
तो जब बाप प्रत्यक्ष हुआ तो किसके द्वारा प्रत्यक्ष होता है? मूर्ति का नाम क्या है? क्या नाम? अरे जिस मूर्ति में प्रत्यक्ष होता है बाप, उसका नाम क्या है मूर्ति का? अहम प्रजापिता ब्रह्मा। वो मूर्ति का नाम क्या है त्रिमूर्ति में से? शंकर। और शंकर है तो तीन आत्माओं का संकरण होना चाहिए ना। तो आप तो कहते हैं कि 98 में प्रवेश किया? नहीं, संसार का संसार को कारण ब्रह्मा दादा का ब्रह्म संसार का हो गया 88 में। हाँ, तो ब्रह्मा 100 साल का नहीं हो गया। 76 में राम वाली आत्मा 100 साल की हो गई। संगम युग के हिसाब से प्रजापिता का पार्टधारी प्रजापिता ब्रह्मा का नाम का जो आदि ब्रह्मा है वो 100 साल उसके पूरे होते हैं 76 में। जब 100 साल पूरे होते हैं तो ब्रह्मा नरक में खत्म हो जाता है। वो आदि ब्रह्मा प्रजापिता ब्रह्मा उसका नरक खत्म हो गया। माना नरक करने जो नर हैं, मनुष्य हैं, जो नरक बनाने वाले हैं उनके डायरेक्शन पर नहीं चलता। जब उनके डायरेक्शन पर ही नहीं चलेगा तो नरक खत्म हो जाए। तो उस एक आत्मा के लिए मानसिक आधार पर कहेंगे कि उसका नरक खत्म हो गया। ऐसे नहीं प्रैक्टिकल कर्मेंद्रियों में दुख नहीं मिलता, ऐसे नहीं कि वाचा से कोई दुख नहीं देता, ऐसे नहीं कि लाल लाल आंखें दिखाकर कोई दुख नहीं देता। वो सब होता है लेकिन मनसा से उसको कोई दुख नहीं दे सकता। दुख की बातों को भी वो सुख में ज्ञान के आधार पर कन्वर्ट कर सकता है। इसलिए वो एक ही मूर्ति है जो त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। ब्रह्मा की मूर्ति को भी त्रिमूर्ति शिव नहीं कहेंगे, विष्णु की मूर्ति को भी त्रिमूर्ति शिव नहीं कहेंगे। विष्णु की मूर्ति में 2 आत्माएं या 4 आत्माएं विराजमान हो सकती है लेकिन शिव की मूर्ति उसमें शिव की आत्मा प्रवेश नहीं है। जो त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है वो सिर्फ एक ही मूर्ति है। उस एक मूर्ति में 3 आत्माएं प्रवेश करके पार्ट बजाती है। इसलिए 76 से साबित होता है कि कृष्ण वाली आत्मा भी राम वाली आत्मा के संसर्ग संपर्क संबंध में आने से बीज रूप स्टेज धारण करती है। उससे पहले वो भी बीज रूप स्टेज नहीं धारण करती थी। और ज्ञान का बीज है जो बीज सतयुग में रह जाएगा, बाकी सारा ज्ञान उड़ जाएगा। क्या बीज रह जाएगा? ज्ञान का बीज क्या रह जाएगा सतयुग में? बीज माने सार। क्या सार? मैं आत्मा ज्योतिबिंदु। ठीक है। हाँ, तो बाबा को रहे मुझे ज्ञान को आत्मा प्रिय है, ज्योति का प्रिय नहीं है। ज्ञानी को आत्मा प्रिय है, हाँ, ज्योति को आत्मा प्रिय नहीं है। हाँ, तो ज्ञान का उद्देश्य आत्मस्थिति धारण करना। हाँ, तो आत्मस्थिति को मतलब दिया जाता है। हाँ, ज्ञान को आत्मा प्रिय है। हाँ, बाबा को रहे ज्ञानी को आत्मा प्रिय है। ज्ञानी तू आत्मा बनती कैसे है? ज्ञानी तू आत्मा बनाता कौन है? अरे बनाने वाला चाहिए कि नहीं? कौन है? है बनाने वाला है तो योग हुआ ना। बिना बनाने वाले बाप के कोई भी आत्मा स्थिति धारण ही नहीं कर सकता। आत्मिक स्थिति धारण करना माने आत्मा बनना, आत्मा बनना माने बाप का बच्चा बनना। बाप का बच्चा बना माना बाप के साथ बच्चे का योग लग गया। तो बिना योग के
आत्मिक स्थिति धारण नहीं हो सकती। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं को जब परम धाम से नीचे उतरती है तो उनकी देवान की स्थिति होती है या आत्मिक स्थिति होती है? आत्मिक स्थिति होती है, सब आत्मा होती है, बाद में देवान होते हैं। ये आत्मा का फाउंडेशन उन्होंने कहाँ धारण किया था? संगम युग में धारण किया था। 500-700 करोड़ भी जो आत्मा होगी वो भी ये ज्ञान धारण करके जावेगी। क्या मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप और मुझे आत्मा का बाप भी ज्योति बिंदु स्वरूप। हाँ, और क्या कहना चाहते हैं? का क्लेरिफिकेशन, अरे इसमें क्या बात है? जिसकी 100% आत्मिक स्थिति बनेगी वही तो देह का भान छोड़ सकेगा। अगर 100% आत्मिक स्थिति नहीं बनी है, बीच बीच में देह का भान आता रहता है, अपनी देह याद आती है या दूसरे दूसरे की देह याद आती है, तो आत्मिक स्थिति कहेंगे नहीं, नहीं? तो दूसरों में प्रवेश करने योग्य है नहीं, नहीं? तो मात खा जाएगा। बाबा एक किताब है अभी मेरे लिए आया, सच्ची किताब, उसमें ब्रह्म गोद को याद करके शुभा को याद करो, ब्रह्म की गोद में गोद को याद करके शुभा को याद करो, ब्रह्मा की गोद में शिव बाबा को याद करो। किताब में लिखा है मुरली की तारीख भी, मुरली की तारीख में लिखा है कि शिव बाबा की गोद में ब्रह्मा बाबू को याद करो। शिव बाबा को भी याद करो, को याद कर रहे तो ब्रह्मा बाबा को याद करके करो, ब्रह्मा बाबा को। हाँ, ये कहा है कि शिव बाबा की याद करेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता कि ब्रह्मा याद ना आए। बिना ब्रह्मा के शिव बाबा हो ही नहीं सकता। ब्रह्मा का मतलब ये है बड़ी माँ, बड़ी माँ का मतलब है ऐसी माँ जिसकी कोई भी माँ नहीं हो सकती। क्या दादा लेखराज को हम बड़ी माँ कहें तो दादा लेखराज को भी जन्म देने वाला कोई माँ थी या नहीं थी? कौन थी? जगदम्बा। और जगदम्बा को भी जगदम्बा के रूप में प्रसिद्ध करने वाला कोई भी रचयिता है या नहीं है? नहीं तो जगदम्बा भी प्रसिद्ध नहीं हो सकती संसार में। वो कौन है? कब? 36 में शिव बाप जो ज्योति बिंदु आत्मा है वो प्रवेश करता है। तो प्रवेश करने वाला बाप हुआ या जिसमें प्रवेश किया वो बाप हुआ? प्रवेश करने वाला बाप हुआ और जिसमें प्रवेश किया वो क्या हुआ? माँ हुई। तो पहली माँ कौन हुई? प्रजापिता ब्रह्मा की पहली माँ हुई, वो जगदम्बा की भी अम्मा है। उसका प्रैक्टिकल स्वरूप बाद में प्रत्यक्ष होता है, जो आदि में सो अंत में। वो अंत में जो स्वरूप प्रत्यक्ष होता है वो कहा जाता है अर्धनारीश्वर।
क्या उसमें आधा पार्ट स्त्री का भी है, माँ का भी है, और आधा पार्ट बाप का भी। इसलिए कि ब्रह्मा की सहयोगी भुजाएं कितनी गाई हुई है, सहस्र, सहस्र माना हजार। तो जब ब्रह्मा की हजार भुजाएं सहयोगी है और ब्रह्मा से विष्णु बनता है तो भुजाएं ब्रह्मा से विष्णु नहीं बनेंगी है? नंबर बार विष्णु बनेंगी या नहीं बनेंगी? बनेंगी। तो विष्णु के सहस्र नाम नहीं होने चाहिए, होने चाहिए। इसलिए गए हुए हैं विष्णु सहस्र नाम, क्योंकि ब्रह्मा जिसकी हजार भुजाएं हैं सहयोगी के रूप में, वो हजार आत्माएं चलाने वाला उनको चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। उन हजार आत्माओं को जो सहयोगी के रूप में कार्य करने वाली है उनको चलाने वाला चाहिए। कब की बात है? अव्य कवाणी में तो बोला हुआ है। ऐसे नहीं ब्रह्मा खलास हो गया, ब्रह्मा चला गया, नहीं। ब्रह्मा की हजार भुजाएं अभी भी प्रैक्टिकल में कार्य कर रही है। तो ब्रह्मा की हजार भुजाएं प्रैक्टिकल में कार्य कर रही है तो कोई चलाने वाला है, तब तो चल रही है। कोई अनेक भुजाओं वाला आदमी है और उसका सर कटा हुआ हो तो भुजाएं चलेंगी? चलेंगी नहीं। तो ब्रह्मा की जो हजार भुजाओं का गायन है वो 68-69 से पहले का गायन है या जब ब्रह्मा संपन्न बनता है तब का गायन है? पहले का गायन है। संपन्न इसके जो बाद में बनती है या पहले बनती है? बाद में बनती है। तो आदि का गायन नहीं है। कोई ब्रह्मा की सोल, कोई एक ऐसा रूप है जिसमें प्रवेश करके विष्णु रूप बनती है, तब उसका गायन होता है। ब्रह्मा सो विष्णु, तो हजार भुजाएं भी सहयोगी बनती है प्रैक्टिकल में। हाँ, कुछ भुजाएं पहले सहयोगी बनती हैं, कुछ भुजाएं बाद में सहयोगी बनती हैं। कुछ भुजाएं देखने में आती हैं आज बड़ी सहयोगी है और कल ठंडी पड़ी, कुछ भुजाएं देखने में आती हैं मध्य में बड़ी सहयोगी है और अंत में ठंडी हो जाती, या आदि में देखने में ही नहीं आती। कुछ भुजाएं ऐसी है जो अंत में बहुत सक्रिय हो जाती है, जो मध्य वाली है वो उतनी सहयोगी नहीं दिखाई पड़ती, और जो आदि वाली है वो भी उतनी सहयोगी नहीं दिखाई पड़ती। कुछ ऐसी है जो आदि वाली बड़ी सहयोगी दिखाई पड़ती है। इसलिए आदि सो अंत, हजार भुजाएं सहयोगी के रूप में, ब्रह्मा सो विष्णु के रूप में संसार के सामने, संसार में धमा चौकड़ी मचाने वाली दिखाई पड़ेगी। एक ज्योतिषी ने भी लिखा है जब कयामत होगी, भगवान प्रत्यक्ष होगा, तो संसार में उसके छोटे छोटे सहयोगी सारे संसार में धमा चौकड़ी मचा देंगे, धम धम हो जाएगी। जोर से बोलिए। धर्म संस्थापक होते हैं। हाँ हाँ, धर्म संस्थापक। उनके जो बीज आत्माएं होते हैं ऊपर से आते हैं, यहाँ से आते हैं? उनके
जो बीज होगा वो सबसे पुराना होगा या नया होगा? जो बीज होगा हर धर्म का बीज आदि का होगा या मध्य का होगा या अंत का होगा? तो सृष्टि का आदि जब हुआ था उस समय वो बीज अपने को पहचाना था कि मैं सारी सृष्टि का इस धर्म का बीज हूं। वो अभी के कहां से हो सकते हैं? वो तो बहुत पुराने थे, पुराने हैं, सनातन हैं। सनातन माने पुराने थे। उनके द्वारा ही सनातन धर्म स्थापन होता है, नहीं तो सनातन धर्म नाम नहीं पढ़ सकता। धर्म पिताएं तो बीच में आते हैं, उनके बीच कहां से आते हैं? जो धर्म पिताएं आते हैं, जिसमें आते हैं, वो तो जड़ हो गई, आधार हो गई, और उस जड़ को आधार को जन्म देने वाला कोई बीज होगा कि नहीं? वो बीज है। जैसे सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध बीज रूप आत्मा आई और सिद्धार्थ में प्रवेश किया, लेकिन सिद्धार्थ की रगों में जो खून दौड़ रहा था, किसका खून दौड़ रहा था? उसके बाप का खून दौड़ रहा था। वो बाप वाली आत्मा वो क्या हुई? बीज है, सूक्ष्म बीज। हाँ, वही तो सूक्ष्म है, उससे ज्यादा सूक्ष्म स्टेज कौन धारण करेगा? ऊपर से आने वाला भी है। कोई भी धर्म के जो बीज होंगे, वो बीज वास्तव में अगर दूसरे धर्म के हैं तो उनको भी जन्म देने वाला कोई होगा। जो सबसे पुराना होगा वही पूर्वज कहा जाएगा। पूर्व माने पहले, ज माने जन्म लेने वाला। जिसने पहले पहले प्रत्यक्षता रूपी जन्म लिया वो असली बीज है, सनातन बीज है। उससे ज्यादा पुराना कोई उस धर्म में है ही नहीं। हाँ बोलो। ऊपर से जन्म लेने वाली है ना, ऊपर से जो आत्मा आती है वो सिद्धार्थ में प्रवेश करती है ना? हाँ, सिद्धार्थ में प्रवेश करती है। ऊपर से आने वाली आत्मा कौन सी है? उस आत्मा का नाम? ऊपर से जो आत्मा आती है वो आत्मा दूसरे धर्म का फाउंडेशन तो लगाती है, लेकिन लगाने के बावजूद ये साबित होता है कि उसको किसी का आधार लेना पड़ता है। अगर आधार लिया तो इसका मतलब उसे अधीन होना पड़ेगा। किसके अधीन हुआ? सिद्धार्थ के अधीन होना पड़ा। और इसका क्या प्रूफ है कि वो अधीन हुआ? जो अधीन होता है वो उसके प्रभावित हो जाता है। ऊपर से आने वाली आत्मा भले पावरफुल है तो भी सिद्धार्थ में प्रवेश करके आधार लेती है तो अधीन हो जाती है। उसका रिजल्ट ये होता है कि वो नीचे गिर जाती है। संघ के रंग से प्रभावित हुई या नहीं हुई? संघ के रंग से प्रभावित हो गई। तो जो प्रभावित हो गई वो प्रजा है या बाप है? वो तो प्रजा होगी। प्रजा बनने वाली आत्मा प्रभावित होने वाली कही जाती है। वो राजा नहीं होती है वास्तव में, लेकिन वास्तव में जिस सिद्धार्थ में उसने प्रवेश किया उसे प्रभावित होकर के संग के रंग में आकर नीचे तो गिरी, पतित तो बनी, लेकिन जिसमें प्रवेश किया वो भी उसका बाप नहीं है, माँ है। वो माँ से प्रभावित हुई। क्या? जैसे कि हमारे ब्राह्मण परिवार में यज्ञ के आदि से ही ढेर की ढेर आत्माएं दूसरे धर्म की किससे प्रभावित हुई? बाप से प्रभावित हुई या माँ से प्रभावित हुई? माँ से प्रभावित हो गई, ब्रह्मा से, दादा लेखराज से। तो वो कमजोर आत्माएं हैं,
जो किससे प्रभावित हो जाती है? माँ से प्रभावित हो जाती है। जैसे कि चंद्रमा, उसके ऊपर जब पृथ्वी रूपी धरणी माता का प्रभाव माना परछाया पड़ता है तो चंद्रमा अंधेरे में आ जाता है, अंधकारमय हो जाता है। ऐसे ही वो धर्म पिताएं भी बन ऊपर से सात्विक आते हैं, सतो प्रधान आत्मा आती है, परंतु संग के रंग में आते ही माँ से क्या हुए? प्रभावित हो गए, उनकी प्रजा बन गई उस जन्म में। अब वो तो माँ हो गई उस धर्म की, तो फिर वास्तव में असली बाप कौन है जो प्रभावित नहीं होता? उस माँ को भी जन्म देने वाला वो हुआ बाप। सिद्धार्थ को भी जन्म देने वाला कोई था या नहीं था? कौन था? था ना? सिद्धार्थ को जन्म देने वाला शुद्धोदन, शुद्धोदन उसका भी बाप था, वो उस धर्म का वास्तव में बीज हुआ। बीज अति सूक्ष्म होता है कि बीज के बाद में आने वाले सूक्ष्म होते हैं, वो अति सूक्ष्म है, लेकिन वो तो दूसरे धर्म का बीज है। कौन? शुद्धोदन। जो दूसरे धर्म का बीज है शुद्धोदन, उसका भी कोई बाप है कि नहीं? कौन है? उसका भी बाप है जो सारी दुनिया का बाप है, सारी मनुष्य सृष्टि का बाप, जिसका कोई बाप नहीं। वो बापों का बाप है, पतियों का पति है। इसलिए मुरली में बोला जाता है, बच्चे तुम्हारी पतियों का भी पति आया हुआ। और एक ही महीने में चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण और आ रहे और 100 साल पहले आए थे। अच्छा, उसमें कुछ फर्क था? क्यों नहीं हो सकता? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही महीने के अंदर दो आत्माएं प्रभावित हो जाए माया से? है? अरे एक महीने की तो बात छोड़ो, एक दिन के अंदर, एक ही घंटे के अंदर, एक ही मिनट के अंदर दो आत्माएं माया से साथ साथ प्रभावित हो सकती है। और वास्तव में देखा जाए तो सूर्य तो कभी प्रभावित होता ही नहीं, सूर्य के ऊपर कभी परछाया पड़ती नहीं। सूर्य तो आग का गोला है, उसके ऊपर परछाया पड़ेगा नहीं? और अभी ये बात हुई धर्म के, नौ धर्मों के जो बीज है, जन्म देने वाले जो बीज है, तो वो पूर्वज है बोले आगे तो नौ धर्म के बीज नहीं बताए, पूर्वज है। नौ धर्म के जो ऐसे बीज है जो जल्दी कन्वर्ट नहीं होती। क्या जल्दी कन्वर्ट नहीं होती? जो और धर्म वाली आत्माएं हैं वो कन्वर्ट होती है क्या? जो अपने धर्म के पक्के होते हैं वो कन्वर्ट नहीं होते। इसका मतलब उनके ऊपर मोटा मोटा छिलका चढ़ा हुआ है, मजबूत छिलका चढ़ा हुआ है देह अभिमान का, इसलिए वो कन्वर्ट नहीं होते। चाहे इस्लाम धर्म का बीज हो, चाहे क्रिश्चियन धर्म का बीज हो, चाहे बौद्ध धर्म का बीज हो, अगर अपने धर्म का पक्का है तो जरूर उसके ऊपर देह अभिमान का छिलका बहुत मजबूत चढ़ा हुआ है। मार मार दंडों के लंबे टाइम तक दंडे पड़ने चाहिए ज्ञान के, तब लास्ट में जाकर के उनका छिलका देवान का उतरता है, तब वो असल बीज संसार के सामने प्रत्यक्ष होंगे। जब दूसरे धर्म के धर्म पिताएं और उनके फॉलोअर्स उसको पहचानेंगे, ये हमारा बीज है, और जो हमारा बीज है उसका भी कोई बाप है, वो एवरलास्टिंग बाप नहीं है, वो बापों का बाप नहीं है,
उसका भी कोई कमाल है। जो दूसरे धर्म के बाप होंगे वो जल्दी कन्वर्ट होने वाले होंगे सनातन धर्म में, सूर्य वंश में, या देर में कन्वर्ट होने वाले होंगे। सीधी सी बात है, जो अष्टदेव होंगे, जो तुम्हारे कुल का होगा वो थोड़ी सी बात सुनेगा और फट से हंस से आ जाएगा। तुम्हारे कुल का नहीं होगा तो सुनाते रहो उसके पीछे पड़े रहो, एक कान से सुनेगा दूसरे कान से निकालता रहेगा, अपोजिशन करता रहेगा अंदर से। और वो ऊपर से आने वाले जो सूक्ष्म बीज है आधार में प्रवेश करते हैं, तो वो पूरा ज्ञान उठाते हैं या अंत में आते हैं? अगर पूरा ज्ञान उठाए सतयुग में नहीं जा जाएंगे। स्वर्ग में आने वाले सतयुग के आज में आने वाले पूरा ज्ञान उठाते हैं, या सतयुग के बीच में और लास्ट में आने वाले पूरा ज्ञान उठाते हैं? वो तो 84 जन वो लेते ही नहीं, जो 84 के चक्कर में आते ही नहीं उनको पूरे चक्कर का ज्ञान नहीं होता, हो ही नहीं सकता, वो तो अधूरे ज्ञानी है। है नौ रतन जब कहा जाता है तो रतन एक दूसरे से कम वैल्यू वाले होते हैं या समान वैल्यू होती है? कम वैल्यू वाले होते हैं। कोई हीरा है, कोई माणिक है, कोई पन्ना है, कोई मूंगा है, सबकी एक जैसी वैल्यू नहीं हो सकती, उनको कहा जाता है रतन। वो धर्म पिताएं हैं अपने धर्म के पक्के, लेकिन उनमें जो सूर्यवंशी है नवरत्नों में वो एक ही है, और वो एक सूर्यवंशी जो हीरा है संसार में जिसकी वैल्यू नहीं यहां की जाती है, उसका नाम क्या है? कोहिनूर हीरा। वो कोहिनूर हीरा सब हीरे एक जैसे होते हैं छोटे बड़े या अलग अलग होते हैं? कोई कम कीमत के, कोई ज्यादा कीमत, लेकिन होते सब हीरे हैं। वो हीरों का वंश ही अलग है, उनको रतन नहीं कहेंगे। क्या रतन कहेंगे? नहीं, रतन कहेंगे तो हीरों के अंदर जो छोटे से छोटा हीरा होगा उस छोटे से छोटे हीरे के मुकाबले भी रतन की वैल्यू कम होगी। तो वो है अष्टदेव, वो देव होते हैं, वो 84 जन्म सुख भोगने वाले होते हैं, परंतु आखिरी जन्म में नीचे जरूर गिरते हैं। इसीलिए मुरली बोला है कोई कोई ऐसे बच्चे भी हैं जो 82-83 जन्म भी सुख भोगते हैं, तो उनको असली देवता कहेंगे या ज्यादा तो को भोगने वाले को देवता कहेंगे? देवता देने वाले को कहा जाता है या लेने वाले को कहा जाता है? उन तथागत तो ब्राह्मण ब्रह्मा कुमार कुमारियों में देवता ज्यादा होंगे या देवता ज्यादा होंगे? देवता ज्यादा होंगे। असली देवता वो है जो अपने लेने की चिंता न करे। अच्छा हमको खिचड़ी ही सही, अच्छा पतली पतली खिचड़ी रोज हमें खिलाते, हम प्यार से खाते हैं, पतली पतली दाल खिलाते रहो। दालें आजकल बहुत कास्टली हो गई ना, तो कोई बात नहीं, पानी पानी दाल दे दो बनी वाली, रोज खाते रहेंगे प्यार से। कपड़े भी कोई जरूरी नहीं है, एक जोड़ी अगर कपड़ा भी उनके पास बचा होगा तो मांगेंगे नहीं, क्या हमको कपड़ा दे दो, रोज उस कपड़े को धोएंगे और रोज पहनेंगे। चप्पलों की 20 जोड़ियां उन्हें नहीं चाहिए,
नहीं भी होगी तो भी क्या नंगे पांव आदमी जिंदगी नहीं बिताता? अरे भगवान के लिए क्या नहीं कर सकते? सब कुछ कर सकते। तो पदार्थों की उनको परवाह नहीं होगी, पदार्थों से उनको प्यार नहीं होगा, व्यक्तियों से भी उनको प्यार नहीं होगा, संबंधों से भी उनको प्यार नहीं होगा। जब से ज्ञान में चले होंगे, चाहे बेसिक हो और चाहे एडवांस हो, उनके जीवन में एक गुण सदैव लक्षित होगा, नष्टो मोहा। कैसे नष्ट मोहा? देह से नष्ट मोह, देह के पदार्थों से नष्ट मोहा, देह के संबंधियों से भी नष्ट मोहा, देह के संपत्तियों से भी नष्ट होगा। तो ऐसी आत्माएं जिनका पहला गुण अव्वल नंबर में होता है, आदि से लेकर के लक्षित होता है, दिखाई पड़ता है, वो अष्टदेव में क्यों नहीं आवेंगे? जरूर आनी चाहिए। ताऊसी तक, एक होता है तख्त, बैठे हैं तो काय क्या हुआ तख्त, और एक है ताऊसी, क्या ताज है, ताज भी है और तख्त भी है, तो क्या कहा जाता है ताऊसी तक। और आगे वालों को भी पूछ लेने दो। लक्ष्मी नारायण के चित्र में, लक्ष्मी नारायण के चित्र में, अब बाद में पूछ लेना, थोड़ा आगे वाले की भी आवाज जल्दी आ रही बाबा के पास। लक्ष्मी नारायण के चित्र में नारायण की भुजा कपड़ों की बड़ी बताते हैं और लक्ष्मी की छोटी। हाँ, भुजा माने क्या है? आप क्यों बोल रहे हो? नाक में बीच गुप्ती से। भुजा माने क्या? भुजा माने सहयोगी। तो नारायण के सहयोगी ज्यादा लंबे हाथ वाले होंगे, ज्यादा पावरफुल होंगे, या लक्ष्मी के सहयोगी ज्यादा पावरफुल होंगे? ज्यादा लंबी भुजाएं किसकी होंगी? किसकी होनी चाहिए? नारायण की भुजाएं लंबी होनी चाहिए। क्यों? कहते अरे भैया उससे बात नहीं करना, उससे टक्कर नहीं लेना, उसके बड़े लंबे हाथ हैं। कहते हैं ना, अरे भैया उन ब्रह्मा कुमारियों से टक्कर हम आमने सामने नहीं ले सकते, उनके तो बड़े लंबे हाथ हैं, बड़े बड़े मिनिस्टरों से उनका मेल जोल है, बड़े बड़े धर्मगुरुओं से उनका मेल जोल है, बड़े बड़े पूंजीपतियों से उनके संबंध जुड़े हुए हैं, बड़े बड़े गुंडों से उनके संबंध जुड़े हुए हैं, तो बड़े लंबे हाथ हैं। तो ऐसा पार्ट बजाने वाला उनका बाप कोई होगा कि नहीं होगा? है? उनका भी कोई बाप होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो वो उनका भी बाप है। लक्ष्मी के हाथ तो छोटे छोटे, क्या इतने बड़े बड़े गुंडे पाल के रखने वाली नहीं हो सकती? पुलिस वालों को अपना जीजा बना के रखने वाली नहीं हो सकती? क्या हर बात में धमक देंगे, पुलिस को बुलाए देंगे? अरे पुलिस तुम्हारी जीजा लगती है क्या? तो नारायण के हाथ लंबे लंबे क्यों दिखाए जाते हैं, लक्ष्मी के इतने लंबे नहीं दिखाई जाते? समझ में आ गया? आप बोलो पीछे। हाँ जी, अष्टरत्न वाली आत्माएं धर्म पिता का, हाँ, संगम युग में जो द्वापर युग से आने वाले धर्म पिताएं हैं, उन धर्म पिताओं के भी रचयिता होनी चाहिए या उनकी रचना होनी चाहिए?
उनके भी बाप होने चाहिए। बाप ज्यादा पावरफुल होता है या बच्चा ज्यादा पावरफुल होता है? द्वापर युग में तो ऊपर वालों ने आकर के उनको दबोच लिया, भले दबोच लेते हैं तो भी अम्मा को दबोच लेते हैं या अम्मा को जन्म देने वाले बाप को दबोचते हैं? सिद्धार्थ में महात्मा बुद्ध आए तो सिद्धार्थ वाली आत्मा को तो दबोच लिया, अंडर दी कंट्रोल ले लिया, लेकिन सिद्धार्थ का जो बाप था शुद्धोधन उसको भी जबरदस्ती कर पाया क्या? उसको प्रभावित कर पाया क्या? उसको प्रभावित नहीं कर पाया। रिजल्ट ये हुआ कि शुद्धोधन राजा ने सिद्धार्थ को देश निकाला दे दिया। उग्रसेन जैसा राजा नहीं था कौन? शुद्धोधन, जो बच्चे के प्रभाव में आ जाए। क्या किया उसने? बच्चा जैसा ही प्रभावित करने वाला हो। बौद्ध धर्म की इतनी बड़ी स्थापना कर दी चीन जापान में जाकर के, फिर भी उससे प्रभावित नहीं हुआ। अपने धर्म में पक्का रहा, अपने धर्म में पक्का होने के कारण कोई दूसरे धर्म को प्रभावित नहीं होने दिया भारतवर्ष में। विदेशों में जाकर के बौद्ध धर्म पनपता रहा। तो बाप उसे कहा जाता है जो रचयिता होता है, रचना को कंट्रोल करने वाला होता है। और दुनिया को सत्य बताना था, सच्चाई सुनानी थी ना। अरे सत्य रूपी ज्ञान, सत्य को ज्ञान कहा जाता है, वो सत्य रूपी ज्ञान का जो बीजारोपण है वो अम्मा में किया जाएगा पहले कि दुनिया में किया जाएगा? नहीं, तो वो सच्चाई बताना चाहती थी। कौन? वो रामवली आत्मा नास्तिक बन जाती है कोई सच्चाई सुनता नहीं। यज्ञ के याद में जो ज्ञान था, बीज था, वो संपन्न बीज था या अधूरा बीज था? षष्ठी चक्र का पूरा ज्ञान था या अधूरा ज्ञान था? अधूरा ज्ञान। कैसा ज्ञान था? अधूरा ज्ञान था। नीम हकी में खतरे जान, तो खतर आ गया तो वो नास्तिक बन गई क्या? अरे राम वाली आत्मा सब धर्मों का बाप है या नहीं है? है? तो जो और धर्म है, जो आस्था रखने वाले हैं साकार के ऊपर, उन्होंने ब्रह्मा के ऊपर आस्था रख ली, आस्तिक बनकर के रहे। लेकिन राम वाली आत्मा वो किसी देहधारी से प्रभावित नहीं हो सकती, इसलिए पहले पहले नास्तिक कौन बनेगा? जो पहला ब्राह्मण सो पहला देवता, जो पहला देवता सो पहला क्षत्रिय, सो पहला वैश्य, सो पहला शूद्र, सो पहला नास्तिक। अरे नास्तिकों का भी कोई बाप चाहिए कि नहीं चाहिए? इसलिए मुरली में आता है, मोस्टली आता है, भारत इस समय पूरा नास्तिक। पूरा नास्तिक का मतलब किसी के ऊपर आस्था नहीं है, कोई साकार व्यक्तित्व इस दुनिया में नहीं है जिसके ऊपर वो पूरी आस्था रखे, उसके अंडर दी कंट्रोल चले। चलेगा? नहीं चलेगा। तो नास्तिक हुआ या आस्तिक हुआ? है नास्तिक हुआ। गीता माता
दोनों रूप माने कौन से रूप? शक्तिमान का और गंगाधर का। अच्छा, जो गंगाधर है, गंगा को धारण करने वाला है, उसे शंकर कहा जाता है, है? और एक शक्तिमान का रूप है शक्तिवान। वास्तव में सब शक्तिवान देहधारी है या निराकारी आत्मा है? तो जो निराकारी आत्मा है शिव, वो सब शक्तिवान है, है ना? और जो गंगाधर है वो तो गंगा को धारण करने वाला है, क्या सर के ऊपर धारण करता है। शिव थोड़े ही गंगा को सर के ऊपर धारण करेगा। शिव की वाणी में कोई ऐसा वाक्य आया है जिसमें गंगा को ऊंचा साबित किया गया हो? नहीं, नहीं साबित किया गया। लेकिन शंकर के प्रैक्टिकल जीवन में संगमिगी दुनिया का ऐसा क्षण भी आवेगा जहां वो ब्रह्मा कुमार कहलाने वाले, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाने वाले बच्चों के बीच में गंगा को सर के ऊपर चढ़ा के रखेगा। पार्वती को सर के ऊपर नहीं चढ़ाएगा, क्योंकि जब एडवांस ज्ञान निकलता है तो पार्वती नहीं निकलती, डरती है। बाबा ने कहा त्रिमूर्ति में एक बकरी भी है, तो बकरी से शेर प्रभावित होगा क्या? नहीं। तो जब एडवांस ज्ञान निकलता है तो जो जगदम्बा का पार्ट है, वो जगदम्बा का पार्ट तो 9-10 साल की बच्ची होती है, वो ज्ञान को उतनी गहराई से नहीं समझती, इसलिए वो सर पर धारण करने योग्य नहीं है। कौन है सर पर धारण करने योग्य? जो एडवांस ज्ञान को, जो कन्या सबसे पहले गहराई तक उठा लेती है। और वो कहां से निकलती है? है? यूपी से। भले अव्यक्त वाणी में बाबा ने बोला है गंगा कहां से निकली, अलाहाबाद से निकली या कानपुर से निकली? अरे बाबा ने कानपुर क्यों गुजर दिया? कोई राज होगा ना। तो एडवांस ज्ञान में सबसे पहले गहराई का ज्ञान उठाने वाली कोई गंगा ही निकलती है। सारे भारत में भ्रमण करने के बाद एक कन्या निकली जो ज्ञान को पूरा गहराई से उठाती है। तो सर के ऊपर धारण करने योगी नहीं है, है? धारण करने योगी, लेकिन है कौन से धर्म की? है? संन्यास धर्म की है। फिर ये गड़बड़ी हो जाती है। संन्यास धर्म की है, इसलिए बाप की बच्ची भी बनती है और बच्ची के बनने के बाद फिर बाप को छोड़ भी देती है, क्योंकि जो गंगा के किनारे मेंढकों की तरह चौपड़ी मारकर बैठने वाले हैं तो वो बड़ी उसकी पूजा करते हैं, उन पूजा करने वालों की चक्करी में आ जाती है, अहंकार बढ़ जाता है। अहंकार बढ़ जाने के कारण बाप को छोड़ देती है। राम तेरी गंगा मैली कही जाती है। वो तो पाप तब धोएगी जब सागर के साथ कनेक्शन होगा। नदी अगर सागर के साथ कनेक्टेड नहीं है तो नदी क्या है? नाला है। नदी पतित पावनी नहीं हो सकती। बाबा, जब कोई बांधे की माता है बच्चों को घर पे छोड़ के नहीं छोड़ के जा सकते भक्ति के लिए, बच्चों को क्यों बोल रही है? बच्ची के लिए कह सकती हो। कोई नौजवान बच्ची घर में है तो नौजवान बच्ची को अकेला छोड़ करके माता को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए अगर ज्ञान में चल रही है तो। क्यों? क्योंकि माता की सबसे बड़ी ड्यूटी है ज्ञान में कन्या रूपी तलवार की सुरक्षा करना। भले ज्ञान में आज नहीं भी चल रही है तो भी बाप ने तो वरदान दिया हुआ है,
तुम्हारा पूरा का पूरा परिवार ज्ञान में चले। आज नहीं ज्ञान में चल रही है, कल प्रत्यक्षता होगी, कन्या की बुद्धि में भी बैठ जाएगा और वो ज्ञान लेकर के सबसे आगे उड़ेगी, क्योंकि पवित्र बुद्धि है। तो उसकी सुरक्षा नहीं करनी चाहिए, उसकी सुरक्षा करना ढाल का पहला काम। ढाल किसको कहा? माताएं हैं ढाल, क्योंकि बच्चे पैदा करते करते घर गृहस्थी में बुद्धि लड़ाते लड़ाते बुद्धि कैसी हो जाती है, मोटी बुद्धि हो जाती है। कन्याओं की तो बुद्धि पवित्र होती है, तलवार की धार होती है, उसमें ज्ञान गहराई तक बैठ जाता है, बाप को जल्दी पहचान देती है। इसलिए उन कन्याओं की सुरक्षा करना ज्ञान में चलने वाली माताओं का पहला धर्म है। वो सेवा को छोड़ करके, ईश्वरीय सेवा को छोड़ करके कोई अपनी उपलब्धि में भाग खड़ा हो, बाबा की वाणी सुननी है तो स्वार्थ हुआ या परमार्थ हुआ? स्वार्थ। तो स्वार्थ हो गया। जो परमार्थी होता है वो प्राप्ति करता है, त्याग और तपस्या से भाग्य बनता है। अगर त्याग और तपस्या नहीं है माताओं के जीवन में तो भाग्य नहीं बन सकता। इसलिए वाणी तो हमें बाद में भी मिल जाएगी, नहीं मिलेगी? मिलेगी। और जहां तक सन्मुख सुनने की बात है, हो सकता है हम पक्का पक्का श्रीमत पर चले तो अंत में हमको ऐसा मौका मिल जाए जैसे एक के आदि में माताओं को जो सात सात तालों के अंदर रखी गई थी, बांधेली बनाकर रखी गई थी, उनको मौका मिला कि नहीं? साथ में बाप के रहने का, साकार में साथ रहने का उनको जितना मौका मिला उतना दुनिया में किसी को नहीं मिला। तो जो आदि सुअंत नहीं हो सकता है? हो सकता है। तो जब ऐसी पवारा होगी तो माताएं ऐसी बांधेली आगे बढ़ेंगी या पीछे रहेंगी? आगे बढ़ जाएंगी। इसलिए धीरज धर्म हुआ, धीरज धर्म, तेरे भी सुख के दिन आने वाले। तो माताओं का धैर्य उड़ जाता है, हाय मेरे भगवान हाथ से निकल गया, भगवान इस सृष्टि पर आया, साकार में आया, तो मैं खाली हाथ रहेंगे। और बोलो बोलो, अपना अव्वल नंबर है ना सब में? है सब में अव्वल नंबर है ना? नहीं हाँ। लो ये कह रहे राम वाली आत्मा सब बातों में अव्वल नंबर है ना, ऐसे कह सकते हैं? हाँ। कह सकते हैं पक्का? और कोई काट दे तो नहीं काट सकता है? बोलो कोई नहीं काट सकता। बोलो 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 नहीं काट सकता। अरे इस संगठन की कोई इंचार्ज भी है उसकी बुद्धि में हो ये पॉइंट तो बाबा ने मुरली में बता दिया। तुमने मुरली सारी सुन ली है जो धड़ाक से आगे बैठ के बोल देते हो? पॉइंट ये है कि राम वाली आत्मा हर बात में आगे रहेगी या नहीं रहेगी? कोई है जो इस बात का काट करके साबित करके बताए? अरे दो चार बार समझाया हुआ है। नहीं बोला कभी मैं तेरा बाप, कभी तू मेरा बाप। हाँ तो ऐसे आगे हो जाती कुछ ना लिया। सुमारी आत्मा आगे हो जाती, बाप बनने से कोई आगे हो जाता है? शिव बाप है, आगे बन करके आता है, बाप बनता है, सारी दुनिया का भी बाप बनता है, प्रजापिता का भी बाप बनता है, फिर सुख भोगने पीछे आगे कहेंगे? शांति में आगे है, शांति भोगने में आगे है, लेकिन सुख भोगने में बाप तो नहीं है। लेकिन राम वाली आत्मा और कृष्ण वाली आत्मा के बीच में बात हो रही है कि राम वाली आत्मा जो है सब बातों में आगे है, ये बात 100% झूठ है।
सबको डल सबको सट्टे में डाल दिया। अरे कई बार इस बात का क्लेरिफिकेशन आ चुका है, आत्मा की इच्छा क्या है? नहीं इच्छा होती तो सब अभी तक बन जाते। आत्मा की दिली इच्छा क्या है? सुख भोगना है, दुख नहीं भोगना है। तो राम वाली आत्मा जन्म जन्मांतर विदेशियों का मुकाबला करती है, तो खूनखार युद्ध करती है या सुख भोगती है? युद्ध करती है। उसके मुकाबले तो रानी बनने वाली जो आत्मा है, जो ज्यादा पवित्र रहती है जन्म जन्मांतर, वो ज्यादा सुख भोगना चाहिए कि राम वाली आत्मा ज्यादा सुख भोगना चाहिए? सुख भोगने में, सुख भोगने में सबसे आगे कौन? हम कह रहे हैं सुख भोगती है तो पीछे हो गई ना। जो मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है क्या? सुख शांति भोगना। आत्मा की दिली इच्छा क्या है? सुख शांति, सुख भोगना। उस सुख भोगने में राम वाली आत्मा प्रैक्टिकल जीवन में जन्म जन्मांतर सबसे आगे है या पीछे है? किससे पीछे? लक्ष्मी से पीछे। लक्ष्मी से भी ज्यादा आगे कोई आत्मा है? काशी नगरी। कौन? काशी नगरी। है काशी नगरी, काशी नगरी। नहीं, काशी नगरी रुद्रमाला का मणका है या विजयमाला का मणका है? रुद्रमाला का मणका है। स्त्री चोला है, पुरुष चोला है, क्या है? है कौन सा चोला है? स्त्री चोला है। स्वभाव संस्कार से पुरुष चोला है। तो जो पुरुष चोला है स्वभाव संस्कार से, वो नारी से जगदम्बा जैसा बनेगा या लक्ष्मी बनेगा? जगदम्बा जैसा बनेगा। और जगदम्बा जैसा बनना मनुष्य जीवन का लक्ष्य नहीं है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है भले शंकर की सबसे प्यारी नगरी है, जो हिम्मत गंगा नहीं कर पाती है आज से लेकर अंत तक। पहले पहले एडवांस ज्ञान तो उठाती है, साहस तो करती है, लेकिन उसको लगातार चालू नहीं रख पाती तो पीछे हो गई। यमुना भी नहीं कर पाती, सबसे पहले ज्ञान में यमुना निकलती है, सूर्य पुत्री यमुना कही जाती है, वो भी पीछे रह जाती है। लक्ष्मी वो तो आदि से लेकर के जब तक एडवांस पार्टी के मणके प्रत्यक्ष न होने लगे, जब तक रुद्रमाला प्रत्यक्ष न हो जाए तब तक पीछे रहती है, आगे होती है पीछे रहती है। तो इसलिए वो भी प्यारी नहीं है शंकर जी को। गंगा तो बता दिया ना, सन्यासी बन गई, पहचाना तो, लेकिन पहचानने के बाद सन्यासी बन गई तो काम की है या नकामी हो गई? नकामी हो गई। धर्मगुरुओं के प्रभाव में आ गई, धर्मगुरु जाके उसके किनारे चौकड़ी मार के बैठते ट्रां 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 उनकी बातें सुनती है, ईश्वरीय वाणी पर ध्यान नहीं देती। तो बाप के दिल पर चढ़ेगी नहीं। इसलिए न गंगा है, न यमुना है, न सरस्वती जगदम्बा है। क्यों? क्योंकि जगदम्बा भी महाकाली का रूप धारण कर लेती है। तो कौन है जो जब से ज्ञान में आती है तब से लेकर अंत तक उस पार्ट का, उस मूर्ति का साथ निभाती है? भले अंतिम जन्म में तो सबको नीचे गिरना ही गिरना है, लेकिन कन्याओं माताओं के बीच में कोई एक ऐसा पार्टधारी भी है
जो जब से एडवांस में आता है, जब से बेसिक में आता है, तब से लेकर के अंत तक ज्यादा से ज्यादा जन्मों में सहयोगी बन करके रहता है, विरोधी नहीं बनता, नहीं बनता। लक्ष्मी, लक्ष्मी अभी सहयोगी है, है? ज्ञान में आएगी तो क्यों नहीं आती? बकरी है क्या? बकरी बनना अच्छा लगता है, श्रेष्ठ है ना? लक्ष्मी नहीं है, जगदम्बा नहीं है, यमुना नहीं है, गंगा नहीं है, तो बचा कौन दुनिया में? राधा आरती तो लक्ष्मी बनती है, पार्वती ही तो लक्ष्मी है जो पार लगाने वाली है। अरे काशी नगरी तो फिर भी आखिरी जन्म में डुबो देगी या नहीं डुबोगी? आखिरी जन्म में तो वो भी साथ छोड़ती है, ऐसे देव भी साथ छोड़ देते हैं, लेकिन ज्यादा लंबे समय तक उस आत्मा का साथ निभाने वाला कौन है? कृष्ण। अभी अभी इधर अभी अभी वो अवसर आबादी बन करके गुंजार आदि में चला जाता है, उनको उनको सपोर्ट करने लगता है। अरे अष्टदेवों में से कोई ऐसी आत्मा है? हैं तो अष्टदेव आठ, लेकिन उनमें भी अव्वल नंबर कोई है कि जब से बाप के बनते हैं तब से लेकर के अंत तक कभी भी ग्लानी करने वाले नहीं बनते, सपोर्ट करने वाले बनते हैं, सहयोगी बनते हैं, भले आखिरी जन्म में तो सबको माया नीचे गिराई देती, तो उनमें भी अव्वल नंबर कौन है? काशी नगरी। तो काशी नगरी सबसे प्यारी भी लगनी चाहिए, लगनी चाहिए। अगर प्यारी नहीं लगती है, लक्ष्मी प्यारी लगती है, पार्वती प्यारी लगती है, तो इसका मतलब ये हुआ, क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बाप का जो पार्ट है वो भी एहसान फरामोश है, है या नहीं? नहीं है, है? अरे सारा जीवन जिसने सहयोग दिया कभी भी असहयोगी नहीं बना, तो उसको सपोर्ट न करना और दूसरों को सपोर्ट करना, ये एहसान फरामोश नहीं हुआ? अरे ना हाँ करते ना करते हुआ। इसलिए शंकर की सबसे प्यारी नगरी दिल्ली नहीं है, क्या? काशी ही है जो शंकर की सबसे प्यारी नगरी।